and welcome to Home Abroad. Let's take a look at the top stories first. कनाडा ने एक बार फिर किए रूल्स अमेंड, डिसाइडेड टू रिटर्न ऑल स्किल्ड वर्कर एप्लीकेशंस रिसीव्ड बिफोर 2008। यूके बेस्ड एक एनआरआई पंजाब ने कुछ लोगों से ओसी प्रॉपर्टी धोखे नाल वेचन का लगाया दोष। लुधियाना के एक नौजवान ने इंटरपोल ऑफिसर बन लोगों को ठगे करोड़ों रुपए। एंड टुवर्ड्स द एंड एक खास मुलाकात यूबा सिटी कैलिफोर्निया के डॉक्टर जसदीप सिंह कंग नाल। पंजाबियों विच विदेश जाके वसन का रुझान बहुत पुराना है ते इस दियां तंदा कैनेडा नाल लगातार जुड़िया रही ने। पिछले कई सालों तो कैनेडा के इमीग्रेशन पॉलिसीज विच तब्दीलियां हो रही ने। इस नाल कैनेडा जाके वसना लगातार मुश्किल हुंदा जा रहा है। And in a big blow to those waiting to immigrate to Canada, the Stephen Harper government has decided to return all skilled worker applications received before 2008. Here's a report. In a big blow to those waiting to immigrate to Canada, the Stephen Harper government has decided to return all skilled worker applications received before 2008. Canadian government de is decision da asar lagbhag 3 lakh skilled workers ate unhan diyan families utte dekhan nu mil sakda hai. It is proposed कि जिहड़े फैडरल स्किल्ड वर्कर कैटेगरी दे विच एप्लीकेंट्स ने एंड फरवरी 2008 तो पहला अप्लाई किया होया सी जिहड़े बैकलॉग दे विच ने, ये प्रपोज्ड है कि उन्हां दीयां एप्लीकेशंस रिटर्न कर दित्तियां जाणगियां अलोंग विद देयर फी। इस चीज ने अजे लेजिस्लेटिव प्रोसेस दे थ्रू जाके ते फिर अप्रूवल इहदी होएगी, दैन दिस विल बी इंप्लीमेंटेड। पर जे ये चीज हुंदी है ते इहदे नाल बहुत जिहड़े लखां दे विच फैमिलीज जिहड़ियां ने वो अफेक्ट होणगियां। जिहड़े प्रिंसिपल एप्लीकेंट्स ने जिन्हां ने अप्लाई कीता तकरीबन 2,80,000 दे करीब जिहड़े वो एप्लीकेंट्स हैगे ने, ते जे उहनां दे डिपेंडेंट्स नूं भी शामिल कर लो, ये नंबर काफ़ी ह्यूज हो जाता जिहड़े पीपल अफेक्टेड ने इस चीज़ करके। ते मेरे जिहड़ी साडे फिगर दे हिसाब नाल एंड 2003 तो लैके देर आर पीपल वेटिंग एंड 2008 तक तकरीबन जेडे ने तुसी सारे ये साल ला लो भी किन्ने साल होणगे जेडे के एप्लीकेंट्स किन्ने सालां दे पाइपलाइन दे विच वेट कर रहे ने। एंड ये मेरे ख्याल जे लेजिस्लेशन पास हो जांदी है ते ये जे चीज कैनेडियन गवर्नमेंट अफेक्ट करदी है इन्हां एप्लीकेंट्स दे नाल बहुत ही अनफेयर होएगा। जेडे उत्थे काम कर रहे हैं ये लॉ उन्हां नूं अफेक्ट नहीं करेगा, जिहड़े इंडिया च काम कर रहे हैं और जिन्होंने अप्लाई किया सीगा अंडर वेरियस कैटेगरी स्किल्ड कैटेगरी दे विच वेरियस ऑक्यूपेशन दे अंडर, ये उन्हां नूं अफेक्ट करेगा इनडायरेक्टली। यस, हर पंजाब का कोई ना कोई जिहड़ा फैमिली मैंबर कैनेडा च भी हैगा इनडायरेक्टली कैनेडियन फैमिलीज नूं भी अफेक्ट करेगा, लेकिन मेजर अफेक्ट इंडियन फैमिलीज ते एप्लीकेंट ते एप्लीकेंट दी फैमिलीज नूं होएगा। ये एप्लीकेशन ज्यादातर चाइना, इंडिया अते फिलीपींस तो हन। गवर्नमेंट का कहना है कि इमीग्रेंट्स 27 फरवरी 2008 विच इंप्लीमेंट किए नए स्किल्ड इमीग्रेशन प्रोग्राम के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। कैनेडियन डेली टोरंटो स्टार कोटेड एन अफेक्टेड इमीग्रेशन एप्लीकेंट एज सेइंग दैट द स्टीफन हार्पर गवर्नमेंट लेट लेट कमर्स जंप द क्यू एंड टोल्ड द एप्लीकेंट्स इन द बैकलॉग टू वेट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग एंड फाइनली स्लैश्ड ऑल ऑफ देम विदाउट मर्सी। मीनवाइल कैनेडियन बार एसोसिएशन ने एक सब कमेटी सैटअप की है ताकि वह प्रपोज किए गए चेंजेस नूं एग्जामिन एंड इन्वेस्टिगेट कर सके कि गवर्नमेंट को एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग नूं रोकन दी अथॉरिटी है कि नहीं। सम एप्लीकेंट सेड दे आर कंसीडरिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन अ डेजा वू ऑफ 2002 क्लास एक्शन लॉसूट व्हिच सॉ ऑटावा लूज आफ्टर चेंजिंग द इमिग्रेशन सिस्टम टू रिड्यूस द बैकलॉग। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएन नाइट न्यूज। पंजाब गवर्नमेंट विदेशों में रहते एनआरआईस मुड़ तो अपने पंजाब में निवेश करने लिए प्रेरित कर रही है ताकि पंजाब भी खुशहाली और तरक्की की राह पै सके। पर पंजाब में ही कुछ अजिहे लोग हैं जो चंगे बन रहे माहौल को खराब करने पर तुले हुए हैं। लुधियाना की रहने वाली एक यूके बेस्ड एनआरआई पंजाब ने एक कंप्लेंट की है कि लुधियाना के कुछ लोगों ने उसकी प्रॉपर्टी धोखे नाल वेच दित्ती। हियर रिपोर्ट। लुधियाना की जंपल सत्या देवी काफी साल पहला अपने परिवार नाल लंदन चली गई थी, पर ओह ते उसके परिवार ने हर साल अपने शहर आना नहीं छड्डिया। सलेम टाबरी के इलाके विच उन्हां दी कई करोड़ां रुपए की प्रॉपर्टी पई सी। उन्हां ने दोष लाया कि कुछ लोगों ने धोखे नाल उन्हां दी ए प्रॉपर्टी वेच दित्ती। सत्या कुमारी जी लंदन तो आई सी और इन्हां दा प्लाट सी कराबारा जलंधर बाईपास से 833 गज का मेन रोड के उपर, और इहदे प्लाट दी किसी ने कोई गलत रजिस्ट्री करा के उन्हों अगे वेचन लई लाया होया सीगा। तां इन्हां सानूं 17-3
17 मार्च में सानू एप्लीकेशन दी है वो बारे कि मेरे प्लॉट की किसी ने जाली रजिस्ट्री करा ली। 17-3 असं इनकुआरी की, तो 22-3 असं रिपोर्ट बना के कमिश्नर ऑफिस भेजती सी कि वाकई ये धोखा होया और ये प्लॉट की किसी ने बिट्टू गोयल है धर्मेंद्र गोयल उन्हें प्लॉट की होर बंद मिलकर जाली रजिस्ट्री करवाती। और उस तो बाद इनकुआरी साढ़े स्वपन शर्मा जी IPS ने ACP उन्होंने कमिश्नर साहब ने नाक करती, उन्होंने भी इनकुआरी चैक की और दोबारा इनकुआयर करके सारा मैटर फिर उन्होंने भी केस रजिस्टर करने के लिए कमिश्नर साहब ने लिख के भेजा, जो कमिश्नर साहब के हुक्म तो बाद मुकदमा दर्ज होया। लंडन तो आई सत्या देवी नाल जदों असीं गल कीती तां उन्होंने कुछ मजबूरियां का हवाला देंदिया कैमरे अगे बोलन तो इनकार कर दिता, पर उन्होंने यह जरूर कहा कि उन्होंने हुण कुछ लोगों वालों डराया धमकाया जा रहा है ते वो कह रहे ने कि उन्होंने केस लंबा चल सकता है जिस कारण उन्होंने अपना लंडन वाला घर बार छड़ के इत्थे ही रहना पड़ेगा। लुधियाना तो कैमरा परसन जसबीर बराड़ ते गौरव वालिया नाल सुरेंद्र सिंह दे नाइट न्यूज। And now it's time for us to slip into a short break. At the break to baad, videsh jaan de lalach vich Punjab, Haryana, Himachal ate J&K de kai sau log bane fraud da shikar. Welcome back. जिथे एक पासे चार्ल्स शोबराज नूं हुण तक दा सब तो वड्डा जालसाज मन्निया जांदा है, उत्थे ही भारत दे इक ठग ने चार्ल्स शोबराज तों बाद अजिहा बदनाम नाम खटिया कि अज उह पूरी दुनिया दे लोकां नूं करोड़ां दी ठगी लगा चुका है। अमित बेदी नां दे इस ठग ने पूरी दुनिया विच खुद नूं इंटरपोल ऑफिसर दस के लोकां तों लखां रुपए लैके करोड़ां दा फ्रॉड कीता है। इस काम विच उसकी पत्नी ने भी उसका साथ दिता है। ना सिर्फ पंजाब बल्कि हरियाणा, हिमाचल, जम्मू और कश्मीर के लोगों में भी विदेश जाने की चाह इन्नी ज्यादा है कि वो ये भी भूल जाते हैं कि यह सुपना वेचता हर एक शख्स सही नहीं होता। विदेश के इसे मोह का पूरा फायदा उठाया अमित बेदी नाँ के एक शख्स ने। अमित बेदी साल 2000 लुधियाना आया और फिर शुरू होया उसका लोगों को ठगन का प्लैन। एलिगेशन के मुताबिक इस फराड विच अमित बेदी की पत्नी ने भी उसका साथ दिता। अमित बेदी के हथों ठगे गए लोगों की गिनती बहुत ही ज्यादा है। सिर्फ लुधियाना विच ही लगभग 100 तो वध लोग अमित बेदी वालों ठगे गए ने। मिस्टर अमित बेदी नूं मैं 2001 तो मैं इहनूं जाणदा क्योंकि मेरे बच्चे GID अकैडमी च पढ़ते सी, मेरी बेटी वड्डी ते इहदे बच्चे भी छोटे दो उत्थे पढ़ते सी। इस करके तो प्लस साढ़े पिंड का एक मुंडा मनमोहन सिंह से वो को वैन होंगी सी वो उस गड्डी जो आता हूँ सगा तो सानू पता लगा भी इंटरपोल का ये अफसर आ तो ये बाहर कनेडा के बड़ी चंगी जान पछाण आ और मेरी बेटी जी प्लस टू पढ़ती सी वनू बाहर जाने वास्ते असी 4.5 लाख रुपया साढ़े नूरपुर बेड़ के मेरे मिसिज मनजीत कौर के नाते FDs सगिया तो असी 4.5 लाख रुपया FD अगेंस्ट लोन लैके दिता जी। स्टेटमेंट असी उस टाइम भी पुलिस ने दी 2003 जो भज गया लुधियाने चो छड़ के तो हूँ भी असी इस पुलिस कमिश्नर को एप्लीकेशन मार करा के 2011 के दिसंबर दिती हुई है, वो साड़ी इतने हाल तक पई है, साड़ी उस एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसकी वाइफ राजरानी बेदी उर्फ अनीता बेदी हमारे पड़ोसी थी, तो उसके साथ तब हमारा घरेलू मतलब रिलेशंस थे, तो उसने अमित बेदी ने मेरे फादर को प्रॉमिस किया था कि वो मेरी एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल कनाडा में करवा देगा। उसके लिए उसने हमारे से पैसे लिए थे 5,82,400 रुपीज़ और उसके कारण 2003 में फिर उसने वो प्रॉमिस पूरा नहीं किया और वो यहाँ से फरार हो गया था, जिसके कारण फिर मेरे फादर ने FIR दर्ज की थी हैबोवाल पुलिस स्टेशन लुधियाना में। ऋषि नगर बीच रहा 18 बीच उत्थे सानू मिलता गिलता रहा 2-3 साल तो आता जाता, मेरी वर्कशॉप सी उत्थे आता गड्डी गुड्डी ठीक करा सी, उस तो बाद हौली हौली उहदे नाल प्यार पै गया तो वह साढ़े घर भी कई बार आता सी, सानू उहने गिफ्ट भी दिता एक, तो इस तरह करके सानू उहनूं विश्वास दे विच लै के तो जिन्हें मतलब उन्हें साढ़े ठगी मारी 6.5 लाख रुपया सातों लुट के लै गया। बाहर कनेडा जाने वास्ते 6,37,200 रुपया दिता सी बी, वह कहता मैं गरीबों के मुंडिया बाहर जाना चाहना गा, अमीर बंदे तो आप भी वग जाएंगे बाहर, मैं लोगों का भला करना चाहना गा, पर असी इन्ने पैसे मैं चक के 10% ब्याज से चक के रिश्तेदारा तो फड़ के मैं वो पैसे अमित बेदी देते,
लेकिन उस बाद गल क्या उन्हें अपनी माँ मार ली वो कहना मेरी माँ का मैं उधर संस्कार करके आऊँगा बाद दे वेच सुन बाहर लैके जाऊँगा 2000 जाने के 3 दिन 9 महीने के वेच इतों जी लुधियाने तो भज गया ये चक्कर के ना मेरा भतीजा हैगा मेरे भाई साहब का लड़का हैगा वो इन्हों टैक्सी ड्राइवर है तो उन्होंने कहन दे इन्होंने कहा भी थानू भी चाचा जी मैं थानू अपने सर के नाल भी बहर लै जाना है वो कनेडा है तो भी 6.5 लाख रुपया थानू देना पेगा है करनाल 2 करोड़ का फ्रॉड किया फिर 2011 कुरुक्षेत्र 5 करोड़ का पर सितंबर 2011 कुछ लोगों ने इस बारे पता करके अमित बेदी और उसकी पत्नी के बच्चों कुरुक्षेत्र पुलिस तो अरैसट करवा दिता योजे व्डे जालसाज बंदे जिन्हें बहुत गरीबों के घर लुट ले बहुत सारे बंदे मर गए जिन्होंने अपना कर्जा नहीं उतार सके जे सानू पुलिस कहे तो असं उन्होंने बंदे के घर भी लैके जावे और वो तड़फ तड़फ के कहे भी बेदी अमित बेदी ने तो घरवाली जी अनीता बेदी आ उन्होंने साढ़े परिवार के परिवार तबाह कर दते हरियाणे में भी किए असं उत्थे भी जाके आए हैं प्रोडक्शन प्लांट जो पुलिस लेके गई असं नाल गए हैं तो उत्थे दे के आए हैं ज जिस कोठी जो रह रहा सेम यही स्टोरी लुधियाने वाली उत्थे इन्हें की आ पानीपत भी लोग लुटे करनाल के गुआढ़ी को 35 लाख रुपया लुट के लै गया तो भी मैं इंटरपोल के अफसर हाँ मैं तुहाडा बच्चे बाहर लै जाऊँगा साड़ी सुनवाई देखो जी हुण हो नहीं रही इन्ना चिर हो गया 6 महीने हो गए सानू रिपोर्ट लिखाउंदे नूं अजे तक साड़ी FIR दर्ज नहीं हुई सही तरीके नाल सरकार दे कोले उम्मीद लाई आ कि सानू इंसाफ दवाया जावे कि वह बंदा बहुत ठग आ जी पता नहीं मेरे करके किन्ने क बंदे जाने के जिंदगी रोलती जी भविख रोलता कुछ बंदे साढ़े बच्चे ने अज जाने के दुनिया तो भी चले गए ज जिन्हों के घर के परिवार के फुट पाती भी बेचारे बेघर होए फिरते हैं जुए का बड़ा वड्डा आदि आ तुसीं नेपाल देखो पेपर की कटिंग्स असीं दित्तियां ने अपने एप्लीकेशन के नाल उत्थे भी अरैसट होया उत्थे भी फ्रॉड करके भज गया फिर श्रीलंका के जुआ खेलता रहे पासपोर्ट के किन्नियां स्टैंप्स लगियां ने 36-37 स्टैंप्स लगियां ने बस ये जुए के मकसद लोगों धार्मिक भावनाओं भड़का के लोगों को अपने वश कर लेंदी तो इस भी ज़्यादा खतरनाक है जी वो माता दी उन्हें अपने अंदर ना माता दी फोटो जिहड़ी स्थापित की होंगी है तो वो लोगों को कह दें कि देखो जिहड़ियां बालियां ने इहदियां ये वाइब्रेट कर रही हैं जबकि पिछे किसी हिसाब ना वो करके तो लोगों को प्रभावित कर लेंदी सी भी मेरे च माता आउंदी है तो वो लोग बेचारे तुहानूं पता भी धार्मिक अपने देश के धार्मिक लोग ने छेती वह गल्लां च आ जांदे लोगों के वह इस हिसाब ने दोवें मियाँ बीबी रल के वो बकरे तैयार करती सी इहनूं झटका कर लैंदा सी इस तरह साडा झटका कीता अज अमित की वाइफ और बच्चे आजाद हैं पर अमित बेदी कुरुक्षेत्र जेल में बंद है तो उस उपर धोखाधड़ी तो जालसाजी के केस चल रहे हैं कहिंदा जी मैं तो इंटरपोल का अफिसर है वा भी तुम मैं दो तो बहर जाके मैं कम तो भी थोड़े बेटे ने लगवावगा तो रहने वास्ते भी थानू अपनी कोठी च रखागा है तो सानू जानी कहने वधी वधी सुपने दिखाए है तो इस चक्कर असं ये चक्कर के फस गए है तो इस करके असं 6.5 लाख रुपया दिता 2003 के तो उस तो बाद सानू खबर पढ़ के पता अखबारों तो पता लगे है भी ये तो बंदा दौड़ गया है फराडिया है तो फिर जो सा भतीजा है वह भी साडा घरों गायब हो गया उन्हें भी सानू कुछ नहीं दस्या है सानू नाल अमित बेदी बारे दस्या जाता है कि वह पहला जम्मू में काफ़ी समा रहा तो उत्थे भी इसने लोगों नाल फ्रॉड किया है अमित बेदी ने जिथे कैनेडा में अड्ड नावों से खुद को कारोबारी दिखाया उत्थे कई लोगों को ठगिया तो उस दे बाद कैनेडा की इंटरपोल उस नू लभन लगी इस जालसाज ने खुद को ही इंटरपोल का अफसर दस के लोगों को ठगना शुरू कर दिता वो यहाँ से भाग के नेपाल चला गया था नेपाल में वो कैसीनो एवरेस्ट में ठहरा था कैसीनो एवरेस्ट में उसने जो अराउंड कितने लाख रुपए वो हार गया था फिर उसने कैसीनो को ही सू किया था कि उन्होंने उसके साथ चीटिंग की है और लेस नंबर ऑफ डेक्स ऑफ कार्ड्स यूज किए हैं तो जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें पता लगा कि कैनेडियन इंटरपोल उसे ढूंढ रही है